हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। तो आज का हम जो वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नाम था लीनियर इनइक्वालिटीज था, तो लीनियर इनइक्वालिटी में हमने सबसे पहले ये देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब चार तरीके के सिंबल यूज होते हैं, किस तरीके कौन-कौन से सिंबल है वो, ठीक है। कौन-कौन से सिंबल थे हमारे, लेस देन था, ग्रेटर देन था, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो जब किसी अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके के सिंबल यूज होते हैं या फिर इस तरीके के सिंबल आपको दिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है ना। उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। कि जब इस तरीके के चार सिंबल किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। तब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि अगर सिर्फ लेस देन या फिर सिर्फ ग्रेटर देन वाला सिंबल है, अगर सिर्फ लेस देन या फिर सिर्फ ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं, है ना। इनइक्वालिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, जब लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना भाई सब, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। और जब लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला सिंबल यूज होता है ना तो उसे हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। तो हमने देखा कि इनइक्वालिटी हम कैसे कहते हैं, उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्लैक इनइक्वालिटी क्या होता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमने देखे थे, है ना, क्या देखे थे, रूल्स देखे थे। रूल्स में क्या था, फर्स्ट रूल ऐसा था कि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को किसी भी सेम रियल नंबर से ऐड भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या था, किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड रूल क्या था, ठीक है ना, क्या था कि अगर आप जब नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे तो आपका जो सिंबल है, इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने के बाद वो सिंबल जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू का चेंज किस में होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का चेंज किस में होगा, लेस और इक्वल्स टू में, ठीक है। लेकिन कभी भी लेस देन इक्वल्स टू का चेंज लेस देन में नहीं होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का चेंज ग्रेटर देन में नहीं होगा। तो स्लैक इनइक्वालिटी में ही चेंज होगी, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ही चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये कुछ रूल थे जो सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमने लीनियर इनइक्वालिटीज देखी, ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या देखी, लीनियर इनइक्वालिटीज देखी कि जब लीनियर, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है ना, अगर दो लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इनइक्वालिटी हमें दी जाए तो उसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हम दो या दो से ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा अगर हम लीनियर इनइक्वालिटीज को मिला दे तो क्या बनता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बनती है ना, क्या बनती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसका भी सोल्यूशन हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफिकल, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ सोल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी, है ना। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पोर्शन, और वी कैन से द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफिकल सोल्यूशन, है ना, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ ईच एंड Each linear inequality present in the system, ठीक है ना, present in the system, ठीक है। तो उस सिस्टम में जितनी लीनियर इनइक्वालिटीज प्रेजेंट होगी उसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन फॉर द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब हम आते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के ऊपर। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो कंबाइन करके लेने वाले पूरे चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर वन आपको दिया हुआ है, और एग्जाम्पल नंबर वन क्या कह रहा है कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व 3x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लीनियर इनइक्वालिटी में दो इनइक्वालिटीज है ना, इस इनइक्वालिटी में दो इनइक्वालिटीज कंबाइंड है ना। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा था, ठीक है ना, इस तरीके की लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इनइक्वालिटी आपको सिंगल देने दो या फिर कंबाइन देने दो या फिर दो इनइक्वालिटीज आपको साथ में देने दो, लेकिन सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन करने का प्रोसीजर है, वो तो चेंज नहीं होगा ना।
वो तो सेम ही रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन देने दो, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी आपको सिंगल देने दो या फिर कंबाइन देने दो, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन प्रोसीजर, जो हमारे सॉल्व करने के रूल्स है, वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर वन, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर वन, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे जो इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है, गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन, ठीक है ना, गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहां पे देखो, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना। 3x माइनस 4 कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, और कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो इनइक्वालिटीज है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी यहां पे कैसे हो जाएगी, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 3x माइनस 4, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गया। एंड सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो कैसी होगी, ठीक है ना, सेकंड इनइक्वालिटी कैसी होगी, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर यहां पे दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एंड एंड मतलब क्या, कंटिन्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यू है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यू है, मतलब x के दोनों वैल्यूज हो सकती है ना, दोनों भी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एंड हमने लिखा हुआ है, तो 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो देखो प्रोसीजर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करते हैं, LHS में वेरिएबल लाते हैं। अब देखो स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बाद वाले एग्जांपल्स में हम थोड़ा शॉर्ट चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें LHS में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, LHS में वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये जो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 है, तो इसी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट है, है ना। ये जो 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसी को तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट है ना। यहां पे और यहां पे क्या आ जाएगा, एंड 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहां पे देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें LHS में वेरिएबल चाहिए, लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे माइनस 4 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस माइनस 4 को हटा दूंगा। तो माइनस 4 को हटाने का तरीका क्या है, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट रूल प्रेजेंट है कि आप किसी भी रियल नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और मुझे क्या करना है, यहां से 4 को हटाना है। तो भाई साहब अगर 4 को हटाना है, माइनस 4 यहां पे है, तो मुझे 4 को हटाना है, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं दोनों साइड में इसके प्लस 4 ऐड कर दूं, तो देखो क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4, दोनों साइड में हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस 4 ऐड कर दिया। एंड यहां पे आप देखो, ठीक है, ये 3x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू यहां पे आपको क्या मिलेगा, 5 प्लस 4, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, 3x माइनस 4 प्लस 4 यहां से निकल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड यहां पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे भी माइनस 4 प्लस 4 यहां से निकल जाएगा, कितना मिलेगा, 3x लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, 9, है ना, 5 प्लस 4 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, यहां पे x के सामने आपको क्या कोएफिशिएंट दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, x के सामने यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उसको हमें इनइक्वालिटी को डिवाइड करना होता है, उससे हमें इनइक्वालिटी को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। देखो यहां पे x के सामने कोएफिशिएंट कितना है, x के सामने यहां पे 3 है, यहां पे भी x के सामने 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे ना। तो 3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3x by 3 greater than equals to 6, ठीक है ना। एंड यहां पे आपको क्या मिलेगा, 3x by 3 यहां पे आपको डिवाइड करना होता है 3 से दोनों साइड को, ठीक है ना। यहां पे 3x by 3 less than equals to क्या हो जाएगा, 9 by 3, ठीक है। यहां पे आपको देखो 3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, x greater than equals to 6 by 3 कितना होता है बेटा, 2 होता है, ठीक है ना भाई साहब। और यहां पे देखो एंड, ठीक है, ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, x less than equals to 9 by 3 कितना हो जाएगा, 3, राइट है ना, चेक कर लो आप, ठीक है, 9 by 3 कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पे देखो x greater than equals to 2 भी है और x less than equals to 3 भी है, मतलब यहां पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 3 है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो इसको सॉल्यूशन सेट में हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन देखें, ठीक है ना। यहां पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मतलब 2 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू 3 है मतलब 3 भी यहां पे इंक्लूडेड है, तो आप कैसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू दी, ठीक है x बिलोंग्स टू दी क्लोज इंटरवल, क्लोज क्या है यहां पे 2, तो यहां पे आप लिख देंगे 2 और यहां पे कितना है 3, सो x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 2, 3 है ना, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा 2, 3 इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्लोज इंटरवल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे 2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है, तो 2 से लेकर 3 तक जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे x की पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है ना, वो सारी क्या हो जाएंगी x की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। सो 2 से लेकर 3 तक जितने भी रियल नंबर्स आएंगे 2 भी इंक्लूडेड है। मैं क्या कह रहा हूं 2 से लेकर 3 तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिटवीन 2 एंड 3, मैं क्या कह रहा हूं 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से लेकर 3 तक जितने भी रियल नंबर्स है दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और यू कैन से द सॉल्यूशन फॉर द x, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द x, ठीक है ना। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, देन बढ़ेंगे हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, है ना, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखिए, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिखा, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको नोट कर लेंगे, गिवन इनइक्वालिटी इज, ठीक है, गिवन इनइक्वेशन इज, है ना, क्या दिया हुआ है आपको यहां पे, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है -3 × 26 − 4, ठीक है, 26 − 4 greater than equals to 6 and less than 12, greater than equals to 6 and क्या है यहाँ पे less than 12। अब अगेन यहाँ पे देखो कि ये जो inequality it is a combination of two inequalities, है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 less than equals to -3 × 26 − 4 and, ठीक है ना, and −3 × 26 − 4 less than 12, कैसे लिख सकते हैं less than 12। अब यहाँ पे देखो इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो −3 × 26 − 4 इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, −3 × 26 − 4, ठीक है, greater than equals to 6, ठीक है ना, and, ठीक है, and यहाँ पे −3 × 26 − 4 less than 12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा less than 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 26 − 4 के सामने क्या है, नेगेटिव नंबर है, यहां पे भी 26 − 4 के सामने क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो जब भी हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है, दिस इज रूल नंबर 3, आ रही है बात समझ में, ठीक है, कि जब आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो आपको इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना है, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे 26 − 4 के सामने क्या है, −3 है, तो इसको अगर हम −3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, −3, ठीक है, × 26 − 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, −3, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 6 − 3, ठीक है ना, एंड यहां पे देखो कितना हो जाएगा, ठीक है, −3 × 26 − 4 डिवाइडेड बाय −3, और ये जो लेस देन वाला साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 − 3, ठीक है ना, 12 − 3, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये −3 − 3 आपका निकल जाएगा, तो कितना मिलेगा 26 − 4 लेस देन इक्वल्स टू, देखो 6 − 3, 6 − 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, और 6 − 3 कितना होता है 2, एंड यहां पे देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी ये −3 − 3 हट जाएगा, और यहां पे क्या मिलेगा 26 − 4 ग्रेटर देन, देखो 12 − 3 कितना हो जाएगा −4, है ना, कितना होना चाहिए −4, यहां पे आप देखो अभी, ठीक है, 26 − 4 लेस देन इक्वल्स टू −2, एंड यहां पे भी क्या है 26 − 4 ग्रेटर देन −4, तो यहां पे देखो LHS में क्या दिख रहा है आपको, LHS में हमें सिर्फ क्या चाहिए LHS, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है 4 है, और यहां पे भी क्या है −4 है, तो −4 को हटाने का तरीका क्या है, फिर से हम क्या करेंगे +4 + +4 दोनों साइड में ऐड कर देंगे, तो अगर हमें +4 + +4 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 26 − 4 + 4 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा −2 + 4, एंड यहां पे देखो यहां पे भी क्या मिलेगा 26 − 4 + 4, ठीक है ना, तो यहां पे क्या मिलेगा ग्रेटर देन −4 + 4, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, 26 − 4 + 4 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू −2 + 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड यहां पे देखो कितना आएगा, यहां पे भी −4 + 4 निकल जाएगा आपका, कितना मिलेगा 26, ठीक है, और यहां पे देखो ग्रेटर देन −4 + 4 कितना हो जाएगा 0, है ना, −4 + 4 कितना होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। अब यहां पे देखो, यहां पे ना LHS में वेरिएबल के सामने क्या कोएफिशिएंट है, दोनों अगर इनइक्वालिटी को आप देखो तो दोनों की इनइक्वालिटी में आपको दिखा कि वेरिएबल के सामने जो है क्या है 2 है,
तो जो वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमें इनइक्वालिटी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 26/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 2/2, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 26/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0/2, सो दिस विल इंप्लाइज 2 विल गेट कैंसल्ड 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा x less than equals to 2/2 कितना हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे देखो 2 जो है ना वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा 0/2 कितना होता है 0, तो क्या मिलेगा x greater than 0, x क्या मिल जाएगा आपको greater than 0। तो देखो यहाँ पे दोनों conditions मिल गई, x जो है कैसा है less than equals to 1 है, एंड x कैसा है यहाँ पे greater than 0 है ना, कैसा है greater than 0 है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो x greater than 0 and less than equals to कितना है 1 है, x greater than 0 and less than equals to 1, तो इसका जो solution है वो कैसे होगा, required solution है ना, required, ठीक है, required solution, required solution is क्या होना चाहिए required solution, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे x belongs to the, यहाँ पे देखो first interval क्या है 0, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, बट 0 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, 0 कैसा है, x कैसा है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है ना, मतलब 0 से बड़ा, तो ऐसे रियल नंबर्स होंगे जो 0 से बड़े होंगे, तो ये शो करने के लिए हम यहाँ पे इंटरवल कैसा लिखेंगे ओपन है ना, और यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 है ना, इंटरवल यहाँ पे हम क्या कर देंगे ओपन कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कैसा है 1, x कैसा है लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब ओकेजनली कभी कभी x की वैल्यू 1 के साथ इक्वल भी हो सकती है ना, एक तो 1 से कम रहेगी या तो फिर इक्वल्स टू 1 रहेगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना, तो यहां पे हमें 1 को क्या करना है इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है तो हम क्या यूज करते हैं क्लोज इंटरवल, तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा ओपन क्लोज इंटरवल 0,1, इसे हम कैसे पढ़ेंगे ओपन क्लोज इंटरवल 0,1, लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल 0 एक्सक्लूडेड एंड 1 इंक्लूडेड, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द वर्ड, ठीक है, फॉर द वर्ड एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 के बाद में 1 तक, 0 के बाद में 1 तक जितने भी रियल नंबर्स होंगे देयर आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है ना, वो किसकी वैल्यूज है पॉसिबल वैल्यूज है x की वैल्यूज है, ठीक है ना, तो लिखिएगा इसे, तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व 4-7x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इनइक्वालिटी दी है उसको हम नोट कर लेंगे गिवन, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटी इज क्या दिया हुआ है गिवन इन इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4-7x/2, ठीक है, 4-7x/2 कैसा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है ना, और लेस देन इक्वल्स टू कैसा है 18, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखो -3 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4-7x/2 है ना, क्या हो जाएगा 4-7x/2, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 4-7x/2, ठीक है, 4-7x/2 लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे आप देखो कि -3 लेस देन इक्वल्स टू 4-7x/2, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 4-7x/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, एंड यहां पे देखो कितना मिलेगा आपको, इसको मैं एज इट इज रखेंगे 4-7x/2 लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 4-7x/2 है, लेकिन हमें LHS में क्या लाना है, LHS में हमें क्या लाना है, सिर्फ वेरिएबल लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाने का काम करेंगे, तो 4 कैसे हटेगा, 4 कैसे हटेगा, यहाँ पे आप -4 ऐड करो, या तो भी इस 4 को उधर शिफ्ट कर दो, इस 4 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा -7x/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4+3 है ना, कितना, सॉरी -4 कितना हो जाएगा -3, ये 4 अगर उधर चला जाएगा तो कितना होगा माइनस होगा ना, ठीक है, एंड वैसे ही देखो यहां पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, 4 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा -7x/2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4+18, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -4+18, ठीक है, तो यहां पे आप देखो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -7x/2, ठीक है ना, -7x/2, और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये -4-7 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, सॉरी -4-3 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा ना,
एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये माइनस सेवन एक्स बाय टू जो है वो आपका एज इट इज है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप देखो माइनस फोर प्लस एटीन कितना हो जाएगा 14, राइट है ना, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x के सामने कितना है माइनस सेवन बाई टू है ना। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो LHS में सिर्फ वेरिएबल चाहिए हमें, LHS में सिर्फ क्या चाहिए हमें, सिर्फ वेरिएबल चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस सेवन बाई टू है, अब यार हमको अगर माइनस सेवन बाई टू को हटाना है तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि अगर माइनस सेवन बाई टू को हटाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस सेवन बाई टू से माइनस टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, है ना, जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना होता है, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, माइनस सेवन बाई टू को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू बाय सेवन, है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू बाय सेवन। सो माइनस टू बाय सेवन इंटू कितना हो जाएगा, माइनस सेवन बाय टू, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, माइनस टू बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय माइनस सेवन बाय टू एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है कि अभी क्या हो जाएगा, ये लेस और इक्वल्स टू हो जाएगा। और इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस सेवन इंटू, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस टू बाय सेवन से, ठीक है ना, किससे, माइनस टू बाय सेवन से। वैसे ही इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस टू बाय सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो माइनस टू बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, माइनस सेवन बाय टू एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, अभी जो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा ना। तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, माइनस टू बाय सेवन, ठीक है ना, माइनस टू बाय सेवन इंटू कितना हो जाएगा, ये 14, है ना, इंटू कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, इंटू व्हाट, 14। अब यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये देखो माइनस टू बाय सेवन और माइनस सेवन बाय टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेवन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेवन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। वैसे ही लेस और इक्वल्स टू, ठीक है ना, लेस और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सेवन सेवन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, प्लस टू मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये सेवन सेवन आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, एक्स। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो कि माइनस टू बाय सेवन से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे ये सेवन टू जा कितना होता है, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा कितना होता है 14, है ना, सेवन टू जा कितना होता है 14, तो क्या मिलेगा, माइनस टू इंटू टू, है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x लेस देन इक्वल्स टू टू, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस टू इंटू टू कितना कितना होना चाहिए बेटा, माइनस फोर, राइट है ना, कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू टू भी मिला हुआ है, एंड यहाँ पे कैसा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फोर मिला हुआ है, तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, x, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू टू, है ना, कैसे हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू टू। और इसको अगर हम सोल्यूशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है ना भाई साहब, कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फोर है, लेस देन इक्वल्स टू टू है, मतलब माइनस फोर से लेकर माइनस सॉरी माइनस फोर से लेकर प्लस टू तक, तो माइनस फोर से लेकर प्लस टू तक जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे देखो टू भी माइनस फोर भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे टू भी इंक्लूडेड है ना, माइनस फोर भी इंक्लूडेड है और टू भी इंक्लूडेड है, आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, माइनस फोर, ठीक है, माइनस फोर कॉमा टू, है ना, कैसे लिखेंगे, माइनस फोर कॉमा टू, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस फोर से लेकर टू तक जितने भी रियल नंबर्स है ना, माइनस फोर से लेकर टू तक, मतलब टू भी इंक्लूडेड हो गया उसमें, ठीक है ना, तो जितने भी रियल नंबर्स के है वो क्या है, आर द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है ना, फॉर द इनइक्वालिटी इन द एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है ना। तो बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर फोर, ठीक है ना, हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर फोर की तरफ। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर फोर, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर फोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, है ना, गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू डिवाइडेड बाय 5
इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड कैसा है लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, है ना, कैसा है लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। तो इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस फाइव लेस देन थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइव एंड, ठीक है ना, एंड इसी को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव लेस देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो थोड़ा आप सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये जो माइनस फाइव लेस देन थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू बाय फाइव, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव ग्रेटर देन माइनस फाइव, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव ग्रेटर देन माइनस फाइव, इसमें से ये जो फाइव आपको दिख रहा है ना फाइव हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो फाइव अगर आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर आप उधर शिफ्ट भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सब्ट्रैक्ट करो सिंबल चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस फाइव इंटू कितना होना चाहिए 5 एंड यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, अगर हम 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 5 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा सॉरी 5 इंटू एनीथिंग 5 इंटू जीरो कितना हो जाएगा सॉरी, है ना, 5 इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस फाइव इंटू फाइव कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव एंड यहाँ पे आप देखो, ठीक है, क्या मिलेगा आपको थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे अभी थ्री से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, थ्री से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा थ्री एक्स, है ना, थ्री इंटू एक्स इज थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको माइनस ट्वेंटी फाइव, है ना, ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फाइव एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप थ्री से अंदर मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा थ्री एक्स थ्री इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये देखो थ्री एक्स है और माइनस सिक्स को आप उधर शिफ्ट कर दो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, है ना, माइनस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना एंड यहाँ पे देखो क्या मिलेगा एंड, ठीक है ना, एंड यहाँ पे देखो थ्री एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, माइनस सिक्स को उधर शिफ्ट कर दो क्या मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, है ना, क्या मिल जाएगा लेस देन इक्वल्स टू सिक्स मिल जाएगा। देन यहाँ पे देखो थ्री एक्स ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन देखो सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, तो अगर 6 माइनस 25 आप करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस कितना मिलेगा 19 मिलेगा ना, ठीक है, कितना मिलेगा माइनस 19, 6 माइनस 25 कितना होता है माइनस 19 होता है, ठीक है। देन यहां पे देखो एंड, ठीक है ना, एंड यहां पे 3x कितना है 3x लेस देन इक्वल्स टू 6 है। अब यहां पे देखो इसके भी कोएफिशिएंट में x के कोएफिशिएंट में 3 है, इसके भी x के कोएफिशिएंट में 3 है, तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 3 से अगर हमने डिवाइड किया तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, 3 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 3x by 3 ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन माइनस 19 by 3 कितना हो जाएगा माइनस 19 by 3 एंड आपको यहां पे क्या मिलेगा एंड, ठीक है ना, यहां पे देखो क्या मिलेगा 3x by 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 by 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 by 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x ग्रेटर देन माइनस 19 by 3, है ना, x ग्रेटर देन माइनस 19 by 3 एंड यहाँ पे देखो ये भी 3 यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा x लेस देन इक्वल्स टू 6 by 3, 6 by 3 कितना होना चाहिए 6 by 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है x ग्रेटर देन माइनस 19 by 3 एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है x लेस देन 2, है ना, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है x लेस देन 2 मिल रहा है, है ना। एक बेटा हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, है ना, हमने क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमने 5 लिया है जबकि यहाँ पे कितना लेना है हमें 15 लेना है ना, कितना लेना है हमें 15 लेना है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक कर दिया, 15 हमें लेना था लेकिन हमने क्या लिया माइनस 5 ले लिया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप माइनस 5 कर दो, यहाँ तक तो आपका सही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ तक भी आपका सही रहेगा और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी ये माइनस 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस 15 इंटू 5 हो जाएगा, सो माइनस 15 इंटू 5 कितना मिलेगा आपको 75, है ना, कितना मिलेगा 75 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस 75
और माइनस 70, बाकी सब इधर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कितना था माइनस 15 था ना, तो ये आप करेक्ट कर लेना यहाँ पे माइनस 15 लिख के, तो यहाँ पे माइनस 15 लिखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस 15 इंटू 5, माइनस 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस 75, ये माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 75 में 6 माइनस 75 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 माइनस 75 कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, कितना मिलेगा माइनस, ठीक है ना, माइनस कितना मिलेगा 69, है ना, माइनस कितना मिलेगा 69, ठीक है, माइनस 69। और यहाँ पे देखो, ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज, ठीक है, माइनस 69, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर माइनस 69 बाय 3, है ना, माइनस 69 बाय 3, और माइनस 69 बाय 3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 टू जा 6 एंड 3 थ्री जा 9, मतलब माइनस 23 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा माइनस 20। देखो थोड़ा सा ना हमसे मिस्टेक हो गया था, लेकिन मिस्टेक को हमने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे करेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो देखो जिंदगी में गलतियां जो है ना होती रहेगी, लेकिन करना क्या है, गलतियों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको दुरुस्त करना है, ठीक है ना, क्या करना है, दुरुस्त करना है, ठीक है। मिस्टेक्स हर किसी से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, ठीक है। सिर्फ देखने का फर्क था, 15 लिखा हुआ था लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस 5 लिख दिया। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो नजर बनाइए रखिए, ठीक है, तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, और इधर LHS वाले जो इसमें है ना, ये वाली इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं हो गए, क्योंकि RHS में 0 ही था, तो सब बिल्कुल सेम रहेगा जो इसे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, x greater than minus 23 and x less than equals to 2, तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कैसे लिखूंगा मैं, x greater than minus 23 less than equals to कितना है 2 है ना, less than equals to कितना है 2 है, तो इसको अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x belongs to the, ठीक है, x belongs to the, देखो x कैसा है, greater than minus 23 है ना, x कैसा है, greater than minus 23 मतलब minus 23 से बड़ा है, minus 23 से बड़ा है मतलब minus 23 excluded है, और excluded के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन इंटरवल minus 23 कॉमा, ठीक है, यहाँ पे देखो less than equals to 2 है, मतलब 2 included है, 2 को include करने के लिए क्या show करेंगे हम, close interval show करेंगे, है ना, तो open close interval minus 23 comma 2 is the required solution, so minus 23 के बाद में कहाँ तक, 2 तक, minus 23 के बाद में 2 तक जितने भी real numbers है are the possible values of x for the inequality number in the example number 4, ठीक है ना, तो लिखिएगा इसे।